दोस्तों, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। मतलब कि जब भी मैं किसी चैनल को चेक करता हूँ, जिस नए चैनल को चेक करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे एक ही कॉमन मिस्टेक दिखाई देती है। वो मिस्टेक क्या है और उसका क्या सॉल्यूशन है ये भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, कुछ तो ऐसे यूट्यूबर है जिनके पास अपना पेशेंस है, हिम्मत है, लगन है, किसी काम को करने के लिए वो सक्षम है, यानी कि वो लोगों से अलग कर रही है, ठीक है। तो वो तो अपनी लाइफ में, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर कहीं पर भी, अपनी लाइफ में वो मतलब सफल हो जाएंगे, ईजीली वो सक्सेस हो जाएंगे। बट कुछ मेरी तरह यहाँ पर ऐसे यूट्यूबर है जो कि दूसरे अपने से जो बड़े बड़े यूट्यूबर है उनको, बड़े क्रिएटर को वो फॉलो करती है और वो जैसा वीडियो अपलोड करती है, सेम वही कंटेंट उठा करके वो अपने चैनल पर डाल देते हैं। यानी वीडियो खुद का होता है, वॉइस ओवर खुद का होता है, बट वो कॉपी करते हैं उनका, ठीक है। जैसा वो बात अपने वीडियो में बताते हैं वैसे वो अपने वीडियो में बताते हैं, इवन थंबनेल और टाइटल भी सेम वही लिख देते हैं जो उस बंदे ने लिखा है। तो आप लोगों से इंस्पायर होइए, लोगों का कॉपी कीजिए और आप लोगों से सीखिए और सिखाइए, ठीक है। क्योंकि सबको पता है कि कोई सीख करके कोई चीज़ कहीं से नहीं आता है, YouTube पर ही आपको सीखना है और YouTube पर ही आपको सिखाना है। बट कुछ तो अपना वैल्यू एड करो, आप लोगों का कॉपी कीजिए, मैं भी करता हूँ, थोड़ा बहुत आप कीजिए कॉपी, थोड़ा बहुत क्या, आप पूरा मतलब जो बड़े क्रिएटर ने बताए वही सेम चीज़ आप बता सकते हैं, बट उसमें कुछ अपनी वैल्यू ऐड कीजिए। कुछ थंबनेल जब आप लिखते हैं तो थंबनेल उससे थोड़ा सा अलग बनाइए, ठीक है, और टाइटल भी थोड़ा सा आप अलग चेंज करके लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि लोग आपके फैन बनेंगे, नहीं तो चैनल अगर आपका किसी के सामने जाएगा, चैनल आप लोग आपके चैनल को देखेंगे तो देखते ही लग जाएगा कि हाँ इस बंदे ने किसी का कॉपी किया, मतलब इसका खुद का कुछ भी नहीं है, तो लोग आपके फैन नहीं बनेंगे। तो फर्स्ट मिस्टेक आप यही करते हैं कि आप मतलब थंबनेल भी सेम उसी डिजाइन की बनाते हैं जिस जैसे कि उस बड़े क्रिएटर ने बनाई है, और वीडियो तो पूरा एकदम कॉपी वाला कंटेंट है और टाइटल भी कॉपी ही है। तो ये ऐसा आप कभी भी मत कीजिए। अगर आपके अंदर कुछ हुनर है, कुछ आपके अंदर लगन है अपने शौक को पूरा करने की, तो आप यूट्यूब पर आ सकते हैं। किसी भी कैटेगरी का आप चैनल यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको गेमिंग अच्छी आती है तो गेमिंग के साथ आपको एंटरटेन भी करना आना चाहिए लोगों को, मतलब कि गेमिंग स्किल तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, साथ लोगों को आप एंटरटेन कैसा कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। साथ ही आप रोस्ट का चैनल स्टार्ट कर सकती है, जिस कैटेगरी में आपको इंटरेस्ट है वो चैनल आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकती है। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर तो आपको ऐसे ही डीमोटिवेट कर देती है कि भाई आप यूट्यूब पर आओ, अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ आपको देखनी है अपने अंदर जिससे कि आप दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी ओर। यानी कि हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होती है, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होती है जो सबसे अलग है, और यही आपको YouTube पर लानी है कि आपको YouTube पर कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा अलग आपको यूनिक कंटेंट लाना है जो कि आपसे पहले किसी ने नहीं बनाए। कॉपी आप कर सकते हैं बट उसमें अपनी थोड़ी वैल्यू ऐड करके उसको नया रूप दे दीजिए, ठीक है। और दूसरा, मैं अभी बात कर रहा था कि कुछ यूट्यूबर आपको डीमोटिवेट कर देते हैं, वो क्या कहते हैं कि आप यूट्यूब पर आइए बट यूट्यूब पर पैसा सोच कर मत आइए। अरे भाई, वो खुद ही पैसा सोच कर आए थे और आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं कि यूट्यूब पर सिर्फ पैसा सोच कर मत आओ। वो खुद आपको चाहे कितना भी कह दे कि मैं पैसे के लिए नहीं आया था, मेरे अंदर ये था वो था, मतलब वो खुद आपको चाहे कितना भी कह दे कि मैं पैसे के लिए YouTube पर नहीं आया था, मेरे अंदर कुछ खूबी थी इसीलिए मैं YouTube पर आया था, बट हकीकत यही है कि वो खुद भी पैसे के लिए YouTube पर आया था और आप भी पैसे के लिए YouTube पर आए हैं। तो ये आपका सोचना जायज है, अनजायज नहीं है, ये सही आप सोच रहे हैं कि पैसे के लिए मैं YouTube पर आ रहा हूँ और पैसे के लिए ही काम कर रहा हूँ। तो वो जो यूट्यूबर बताते हैं वो खुद ही पैसे के लिए ही आए थे, चाहे वो आपको कितना भी कह दे कि मैं पैसे के लिए नहीं आया था बट पैसे के लिए ही आए थे। तो अभी लास्ट में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का कॉपी कीजिए, क्योंकि YouTube पर ही आपको सीखना है और YouTube पर ही आपको लोगों को सिखाना है।
बट कॉपी आप पूरा मत कीजिए, उसमें आप थोड़ा तो कुछ अपना मतलब वैल्यू ऐड कर दीजिए। चाहे किसी भी कैटेगरी का आपका चैनल है, टेक चैनल है या फिर गेमिंग चैनल है या फिर एजुकेशन का चैनल है, उसमें आप थोड़ा अपना वैल्यू ऐड कीजिए। और थंबनेल आप अपनी डिजाइन से बनाइए, अपने तरीके से बनाइए। दूसरा, आप टाइटल के आगे भी कुछ टाइटल को भी थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिए। तो ये सब आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये स्टार्टिंग में न्यू यूट्यूबर होते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये मिस्टेक है और ये प्रॉब्लम भी आप इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया। इसीलिए ये अगर आप इस तरह से किसी का कॉपी करेंगे तो आप कभी भी मतलब सक्सेस नहीं हो पाएंगे, और उसमें अपना कुछ वैल्यू ऐड करके लोगों को कोई अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताएंगे, तरीके बताएंगे, अच्छी अच्छी आप उसमें अपने वैल्यू को ऐड करेंगे तो लोग आपके फैन भी बनेंगे, आपको पैसा, नेम, फेम, दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ मिलेगा। तो ये सब आपको करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।